वृंदावन महोत्सव के तहत जनपद में चलाए जा रहे पौधारोपण की श्रृंखला में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नगर में 3 स्थानों पर पौधारोपण कर ब्रजवासियों से हरा भरा ब्रज बनाने की अपील की। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सूबे में सघन पौधारोपण का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत मथुरा जनपद में ही 30 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वास्तुग्राम मयूर संरक्षण केंद्र एवं सुनरक वन भूमि पर पौधारोपण किया। वास्तुग्राम में अधिष्ठाती दीदी माँ साधी रितंबरा के सानिध्य में नीम, पीपल, जामुन, आमला के पेड़ लगाए गए। दीदी माँ साधी रितंबरा ने कहा कि पौराणिक ब्रज का दर्शन करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। कृष्ण काल में सघन वृक्षावली से आच्छादित ब्रज वृंदावन को पुनर्स्थापित करना होगा। इसी क्रम में मथुरा मार्ग स्थित मयूर संरक्षण केंद्र में भी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि इस स्मृति वन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें कोरोना काल में अपनों को खो चुके जनपदवासी भी मृतात्माओं की याद में पौधारोपण कर सकते हैं। उनके अनुसार पूरे जनपद में करीब 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके बाद सुखद परिणाम आने वाले हैं। वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। आज मैंने मुझे दीदी माँ से भी आशीर्वाद लिया है कि अपने ब्रज को जो पुराना पुरातन जो स्वरूप है हरा भरा वृंदावन, हरा भरा ब्रज, उसके लिए बड़े स्तर पर हम लोग लगभग 30 लाख वृक्ष पूरे ब्रज में लगा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में हम लोग 3100 वृक्ष का लक्ष्य तय किया है, और उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कल्पना है, पंचवटी की जो कल्पना है, उन वृक्षों को लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो ब्रज का पुरातन स्वरूप वापस आए, उसके लिए हम सब पूज्य संतों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं और ब्रजवासियों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। वृक्ष लगे, वृक्ष जीवित रहे, इसकी चिंता भी हम सब लोग करें। सरकार वृक्ष लगाती है, लेकिन बड़ी संख्या में वृक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष जीवित रहे, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयासरत रहें, और इसलिए आज मैं दीदी माँ का आशीर्वाद लेने आया था। दीदी माँ ने आज अपने कर कमलों से एक वृक्ष लगाया है, तो पूरे ब्रज में इसी तरह का पूज्य संतों के पास भी हम जा रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग ले रहे हैं और ब्रजवासियों का। भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत चुनाव में विजय मिली है और ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव चल रहे हैं, क्या क्या स्थिति रहेगी? ये चुनाव लोकतंत्र है, चुनावी प्रक्रिया रहती है, और अपने जो हमारे मुद्दे हैं उनके मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, और आगे भी हम अपने विकास का जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे पर ही हम लोग आगे काम कर रहे हैं, उस एजेंडे पर ही हम लोग आगे जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या एक बहुत बड़ा रूप लेती है। निश्चित रूप से हम जब से पैदा हुए हैं तब से ही बंदरों को हमने देखा है, और जब बंदरों के घरों पर हम लोग कब्जा कर लेंगे तो मंदिर कहाँ जाएंगे? उसी यही है, जैसे यमुना की खादर में हम लोग फलदार वृक्ष लगाने का अभियान चला रहे हैं। अभी जो वन विभाग की जो भूमि है उस पर भी छायादार और फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, तो बंदरों को जब तक हम स्थान नहीं देंगे, उनका स्थान, तब तक ये समस्या रहेगी। यही शुरुआत है कि किस तरह से मथुरा वृंदावन गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, वहाँ जो गांव हैं पूरे ब्रज में, आप हर गांव में जाएंगे वहाँ बंदरों की दिक्कत आपको रहती है, लेकिन उनके लिए हम स्थान तय कर रहे हैं कि उन स्थानों पर बंदर जाएंगे जहाँ फलदार वृक्ष होंगे, जहाँ पानी होगा उनके पीने के लिए, तो यही उसका एक शुभारंभ है। गुरु पूर्णिमा में लगने वाली, देखिए कोविड की जो गाइडलाइंस हैं और अभी जैसे तीसरी लहर की भी जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं चिंता प्रकट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। मेरा ये अभी जैसे हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं जिस तरह की योजना है और जिस तरह का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो श्रीमद् भागवत जी में जिस वृंदावन का हम श्रवण और मनन करते हैं उस वृंदावन का दर्शन होगा 5-6 साल बाद। राज्य अपना काम करता है पर राष्ट्र को भी अपना काम करना होता है। नगरवासियों को, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी इस दृष्टि से निभानी चाहिए, जैसे आप अपने पुत्र का पोषण करते हैं ऐसे आप वृक्षों को भी पुत्रवत पालिए, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी फल छाया बक्कल जो है औषधियाँ क्या क्या नहीं देते हैं, वो कहाँ देखते हैं कि मेरा अपना है कि पराया, सबको छाया देते हैं। और हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है वृक्षों का रोपण, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन शस्य श्यामला धरा के लिए और पूरे वातावरण की शुभता के लिए और वृंदावन को वृंदावन बनाने के लिए। वृंदावन वासियों की जिम्मेदारी है, ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है। जो समाज सिर्फ सरकारों पर निर्भर होकर अपनी जिम्मेदारियों से भागता है उसका कल्याण कैसे होगा? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राज्य अपना काम कर रहा है और वृंदावन को वृंदावन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है,
क्योंकि आदरणीय शर्मा जी तो यहाँ के पुत्र है ना, अभी बंदरों की बात हुई वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से ये सब देख रहा हूँ, तो जिस समस्या को हम जानते हैं उसके समाधान को भी तो हम जानते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि भी जब पशु पक्षियों की जगह हम घेर लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे, तो उनके लिए फलदार वृक्षों की जो योजना है, तो मैं पूरे समाज का आह्वान करती हूँ कि सारी संस्थाओं का कि सब लोग जिम्मेदारियाँ लें, वृक्ष लगा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस वृक्ष का पेड़ बनना, उस पौधे का पेड़ बनना, उस बीज का अंकुरित होना, उस पौधे का फलदार छायादार बनना, ये जिम्मेदारी पूरे ब्रजवासियों को लेनी होगी। तो हम देखते ही देखते ऐसे वृंदावन का दर्शन करेंगे जिसके आकर्षण में सारा संसार वृंदावन की तरफ भागता है, पर कंक्रीट का जंगल देख के घबरा जाता है। इसलिए जिस चाह के लिए कोई जिस जगह जाता है उसका स्वरूप प्रकृति, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसकी शरण में रहना है और एक बात का स्मरण रखना है कि प्रकृति माँ है ना, माँ की छाती का दूध पिया जाता है, लहू नहीं पिया जाता। तो हमें हमारी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों की को समझना चाहिए। मैं इस मौके पर हमारे आदरणीय मंत्री जी वात्सल्य आए और मैंने अभी उनसे सुना कि भाई अभी जो थर्ड वेव का चक्कर है उसके लिए वात्सल्य ग्राम की भी अपनी एक भूमिका रही। हम लोगों ने पिछले समय एक हॉस्पिटल की व्यवस्था की और अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है। मैं ये कह रही थी कि ये वायरस क्या है, ये कितना हावी होगा हमारे व्यवहार पे निर्भर करेगा।